तो भाई कैसे हो सब। मैं फिर से आ चुका हूँ यहाँ एक नए वीडियो के साथ। तो यार आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यार यूनिक पावर मोड के एकदम एक से बढ़कर एक आप उसमें यूनिक पावर मोड में ट्रिक आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यार वो ट्रिक आपको कहाँ कहाँ यूज़ करना है और उसको आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और कैसे करना है, ये सबको आपको मैं एकदम अच्छे से डिटेल में बताऊँगा इस वीडियो में। तो भाई उससे पहले आप अगर इस चैनल पर घूमते फिरते पहली बार आ चुके हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर लो। तो भाई वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर अपना सबसे पहला ट्रिक है यार ये जो स्कूल वाले के सामने जो सामने अपार्टमेंट होता है उसमें यार अगर फर्स्ट फ्लोर में कोई भी बंदा वहाँ कैम करके बैठा है तो उसको आप एकदम सिंपली कैसे मार सकते हैं। तो यहाँ पर आपके जो आइस वॉल काम आएगा यार, तो यार यहाँ सिंपली आपको आइस वॉल को इस तरह से लगाना है जैसा मैं लगा रहा हूँ। तो भाई ऐसे ही आपको यहाँ पर आइस वॉल को लगाना है और आप देख सकते हो हर एकदम यहाँ पर आसानी से मैं डायरेक्ट फर्स्ट फ्लोर में आ चुका हूँ और यहाँ बंदे हैं तो आपको इस तरह से अचानक से आप यहाँ घुस के सीधा मार सकते हैं उस बंदे को। तो यार इस वाले ट्रिक को आप यहाँ पर कर सकते हैं कैंपर के उसमें। और भाई यहाँ पर अपना आप आता है यार सेकेंड ट्रिक कि आप यहाँ पर जो ब्रिज होता है वो ब्रिज के ऊपर आप एकदम आसानी से चढ़ के कैसे आप यहाँ पर कैम कर सकते हैं, उसके सामने से कोई भी बंदा आएगा उसको आप एकदम यहाँ पर से सिंपली वहाँ से ऊपर से मार सकते हैं। तो यार उसके लिए भी यहाँ पर भी आपको काम आने वाला है आइस वॉल। तो यार यहाँ पर से इस तरह से करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से आइस वॉल लगा लेना है। उसके बाद यार यहाँ पर जैसे ही आप ऊपर आ गए आइस वॉल के यहाँ पर से जस्ट इसी तरह से दूसरा आइस वॉल यूज़ करना है। तो यहाँ पर इस तरह से करना है, उसके बाद यहाँ से पैन निकाल के यहाँ से थोड़ा तोड़ फोड़ करना है। तो भाई यहाँ पर के दो इस तरह से पिलर को तोड़ने के बाद यहाँ पर से इसमें से ऊपर यहाँ चढ़ना है। तो यार सेम इसी तरह से आपको करके यहाँ एक ऊपर एक टावर बना के आइस वॉल का सीधा आपको ऊपर जाना है। तो भाई यहाँ पर से इसमें बहुत टाइम लगता है यार थोड़ा, तो इसको हम लोग थोड़ा सा वीडियो कर लेते हैं फास्ट फॉरवर्ड। तो भाई लोग जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हम लोग ये ब्रिज के एकदम टॉप में आ चुके हैं आइस वॉल का यहाँ टावर बना बना के। तो यार यहाँ पर सिंपली बूम वैसे देखो मैं यहाँ पूरे ऊपर ब्रिज के ऊपर आ चुका हूँ। तो यार यहाँ पर आपको एकदम ये ट्रिक यूज़फुल होने वाला है यार, आप यहाँ पर बैठ के आराम से कैम्प कर सकते हैं और सामने उस साइड से जो भी बंदे आएंगे उसको आप यहाँ ऊपर से आराम से मार सकते हैं। तो यार ये था हमारा ट्रिक। उसके बाद यार हमारा तीसरा ट्रिक आता है यहाँ पर, यहाँ ये जो गटका वाले के इस घर में आपको सिंपली बोलना है यहाँ पर आपके बंदे को इस तरह से लेटने के लिए। उसके बाद यार आपका बंदा वहाँ पर इस तरह से लेट जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ से ऊपर जाना है। उसके बाद यार यहाँ भी आपको आइस वॉल ही यूज़ करना है। उसके बाद यहाँ पर आने के बाद आपको इस वाले जगह पे आइस वॉल इस तरह से यूज़ करना है गाइस। तो बूम गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यार आपका बंदा सीधा टेलीपोर्ट होकर फर्स्ट फ्लोर से सीधा ऊपर आ चुका है यार। तो यहाँ पर आपके बंदे को आप किस कोई आपके बंदे ऊपर रश कर रहे हैं तो उसको आप इस तरह से सीधा ऊपर ला सकते हैं। तो यार इसके बाद अपना आता है यार सबसे टॉप ट्रिक ये वाला चिपकली बग्गी। तो यार आपको मिल्टा पावर के सिंपली इस वाले जगह में आ जाना है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक बग्गी लेके। उसके बाद यार आपको यहाँ पर से आपके बग्गी को सीधा आपको स्पीड में आगे ले जाना है। उसके बाद ये वाले पिलर में सीधा चढ़ा के यहाँ बूम। तो भाई जैसे आप देख सकते हो अपना बग्गी चिपकली बन चुका है यार। तो यार इसी तरह से वहाँ से कूदा के सीधा आप इसको ऊपर चढ़ा चढ़ा के यहाँ पर आ सकते हैं यार मिल्टा वाले के टूटे हुए चिमनी के ऊपर। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं बग्गी आपके पूरी तरह से इस वॉल में चिपक के ऊपर आ चुका है यार। और उसके बाद यहाँ पर से आपको कैसे उतरना मैं आपको बताता हूँ कि आपको सबसे पहले यहाँ पर सेफली आपके बग्गी को इस तरह से लगा लेना है। उसके बाद यार यहाँ पर आपको सीधा एग्जिट नहीं करना है, आप सीधा एग्जिट करेंगे तो आप नीचे गिर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको यहाँ से चेन सीट करना है अपना। तो यार चेन सीट करने के बाद आप पीछे जाएंगे, उसके बाद यहाँ पर से आप एग्जिट दबा सकते हैं। तो यार जैसे देख सकते हैं मैं सेफली इसमें से बग्गी से यहाँ उतर चुका हूँ। और यार यहाँ पर का सबसे आपको यार यूज़फुल हो सकता है अगर यहाँ पर आपका लास्ट जोन बनता है तो आप यहाँ पर इस तरह से ऊपर चढ़ के यार किसी भी बंदे को आसानी से स्पॉट कर सकते हो। और आपको पता ही है गाइस कि अगर बंदा कोई भी अपन टॉप में होते हैं तो उसका कितना यूज़फुल होता है वो। और भाई यहाँ पर से उतरने का एकदम सिंपल तरीका है यार, बग्गी में वापस बैठ के इस तरह से उसको हल्का से नीचे
नीचे और करके यार सिंपली आप इसको वॉल से चिपका के वापस से इस तरह से नीचे उतर सकते हैं। और यार ये ऐसा नहीं है कि ये सीधा स्पीड में ऊपर चढ़ा है यार, ये हल्का सा जैसे ही इस पिलर में आता है तो ये एकदम चिपकीली बग्गी बन के यार ये चिपक जाता है। तो यार हाँ आप देख सकते हो यार इतने स्लो हुआ है बग्गी, उसके बाद भी इसमें से पूरी तरह से चिपक चुका है। तो यार ये सभी ट्रिक्स आपके एकदम यूजफुल हो सकते हैं यार अगर आप इसको थोड़ा सा माइंड लगा के आप इसको यूज़ करेंगे तो। और भाई लोग यार फिलहाल आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो यार ये सब ट्रिक्स आपको कैसे लगे आप जल्दी से नीचे कमेंट करके बताना गाइस। और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और यार अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो जो इस तरह के ट्रिक्स को यूज़ करते हैं। और यार अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे कर लो, क्योंकि यार जैसे ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे करोगे वैसे ही जब मैं आगे वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी से पहुँच जाएगा। और यार हम लोग 200 सब्सक्राइबर पार कर चुके हैं यार आपके सपोर्ट एंड लव से। तो यार ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लव एंड सपोर्ट करो गाइस एंड 300 सब्सक्राइबर भी जल्दी से करा दो यार। तो भाई आज के वीडियो के लिए इतना ही, तो भाई फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।